तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक हमारे लिए क्या है, नेमिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल देखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, दारू, ठीक है ना? और क्या आएगा? चलिए ठीक है, अल्कोहल, नेमिंग ऑफ अल्कोहल, ये होता है ग्रुप OH, ROH, कैसे दिखेगा एक बार और तरीके से, फंक्शन ग्रुप OH, प्रेफिक्स हाइड्रोक्सी, सफिक्स ऑल, और फंक्शन नेम IUPAC नेम, एल्केनॉल। तो नॉल मतलब ऑल और एल में क्या अंतर है, ऑल अल्कोहल के लिए और एल एल्डिहाइड के लिए, एल ऑल ध्यान रखना, बल्कि चलेगा तो ऐसे एल ऑन ऑल, एल एल्डिहाइड ऑन कीटोन ऑल अल्कोहल, आ रही है बात समझ में? एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, ये होता है एल्केनॉल और ये होता है इनोल, ये दोनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप होते हैं, ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप होते हैं। आपको कोई कह दे ना कि बताओ ये अल्कोहल है, क्या ये भी अल्कोहल है? नहीं, ये इनोल है और इनोल को अलग फंक्शन ग्रुप मानते हैं हम, समझ में आ रही है बात? और अगर ये मैं कह रहा हूं तुम्हारे को एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं साथ में, क्या ये इन दोनों में कौन कौन से फंक्शन ग्रुप सेम है? ये सेम है और ये अलग फंक्शन ग्रुप होता है, यानी उस एक तरह से देखा जाए तो विनाइल अल्कोहल हो गया, ये विनाइल पोजीशन हो गई इसकी, विनाइल अल्कोहल और अल्कोहल दोनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप होते हैं, जबकि ये कौन सा अल्कोहल है, एलाइल, एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल ही चलता है, आ रही है बात समझ में? ये वाली पोजीशन एलाइल होती है, ये विनाइल होती है, ऐसा आपने कॉमन नेम में मेरे से पहले ही समझ लिया, पढ़ा या नहीं पढ़ा, विनाइल और एलाइल पोजीशन, ठीक है ना? तो ये एलाइल पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है इसकी, विनाइल। तो विनाइल अल्कोहल और अल्कोहल अलग अलग होते हैं, कभी कोई पूछ ले बताओ ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स में, तो क्या हो जाएंगे, फंक्शन आइसोमर्स हो जाएंगे, जबकि ये एक दूसरे के क्या है, पोजीशन हो सकते हैं या कोई और। तो फिलहाल तो मैं वापस इस पे आ रहा हूँ अपने लैंग्वेज पे, बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा, इससे ईजी क्या होगा, एक इसका क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से की जाए, फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटीज में रखते हुए 1 2 3, क्या नाम होना चाहिए इसका, प्रॉप टू इन वन ऑल, सही है। एक और एग्जांपल, इसका IUPAC नेम क्या होगा, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा ये, साइक्लोहेक्स टू इन वन ऑल। एक और एग्जांपल करते हैं, कौन सा फंक्शन ग्रुप बड़ा है, अल्कोहल या कीटोन, कीटोन, ये कीटोन है ना, तो नंबरिंग कहां से की जाएगी, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम होगा इसका, 4-hydroxycyclohex, 4-hydroxycyclohexane वन ऑन, वन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर, साइक्लोहेक्सेन ऑन, ठीक है, 4-hydroxycyclohexane वन ऑन, ऑन क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, कीटोन, सही है, बहुत अच्छे से जा रहे हैं, हाँ या ना, चलिए ठीक,
कहां से नंबरिंग करें? हाइड्रोक्सी है और ये क्या है? ऑक्सो है। एच पहले आता है या ओ पहले आता है? एच। तो नंबरिंग यहां से होगी इसकी, 1 2 3 4 5 6। तो आपका आंसर होगा यहां पर 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो हेक्सेन 1.6 डाई एल। सही है, 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो हेक्सेन 1.6 डाई एल। 1.6 डाई लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो डाई एल, पोजीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर आपको। जल्दी से लिखें इसको, कुछ एक एग्जांपल अब मैं आपके लिए दे रहा हूं जल्दी से लिखते हुए। 4 5 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल 7 करिए इन सब के आंसर। फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? नंबरिंग कहां से की जाए? ऑन से, किसी को भी टारगेट बना के 1। अब बताइए ऊपर जाए या नीचे जाए, बात एक ही है, आइडेंटिकल है। तो 1 किसी को भी ले लें, 2 3 4 5 6। तो आपके पास क्या आएगा यहां पर? 2.4.6 ट्राई हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी 2.4.6 ट्राई हाइड्रोक्सी, और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन 1.3.5 ट्राई ऑन। सही है, इसका नाम क्या रहेगा? एक तरफ एमीन है, एक तरफ ओएच है, कौन बड़ा ग्रुप है? ओएच। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 एमीनो साइक्लोहेक्स जेन 1 ऑल। यहां एल्डिहाइड है और ओएच भी है, कौन बड़ा ग्रुप है? 1 2 3, एल्डिहाइड बड़ा ग्रुप है, 2.3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनेल, प्रोपेनेल तो ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर ली, कोई कहा दिक्कत नहीं आ रही हमारे को। अच्छा, CH2OH और CH2OH कैसे करें अपन इसकी नंबरिंग? क्या तीनों OH को एक साथ लाया जा सकता है? देखिए, अगर इस कार्बन को काउंट नहीं कर पा रहे तो इसको फिर ऑल नहीं बोल के क्या बोलेंगे? कार्बिनोल। 1 2 3, तो स्पेशली नेम फॉर दिस प्रोपेन 1.2.3 ट्राई कार्बिनोल। क्योंकि वो कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा है।
लिख लीजिए इसको।